पिछले दिनों रायपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो के छापे के दौरान एडीजी के सरकारी बंगले और उनके करीबियों के यहां से कुछ डेजियर और टूलकिट दस्तावेज और पेन ड्राइव मिली थी, जिसकी जांच में पुलिस ने सरकार के खिलाफ षड्यंत्र मानते हुए जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया है। आईपीएस जीपी सिंह के सरकारी बंगले और सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान जो दस्तावेज मिले हैं उसमें ऐसी बातें सामने आई हैं जो सरकार के खिलाफ साजिश रचने की ओर इशारा कर रही हैं। उनके निवास से 49 लाख रुपए के तो 1.5 दर्जन से ज्यादा लैपटॉप, आईपैड, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले थे। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। पिछले दिनों एसीबी ईओडब्ल्यू ने जीपी सिंह और उनके करीबियों के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई की थी, जिसमें 10 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ था और ये आपत्तिजनक डोजियर और टूलकिट दस्तावेज समेत पेन ड्राइव जब्त की गई थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग ने जीपी सिंह को निलंबित कर दिया था। पिछले एक हफ्ते से एसीबी और रायपुर पुलिस की टीम इन दस्तावेजों की जांच में जुट गई थी, जिसके बाद पुलिस ने देर रात 154A और 124A की धाराओं में मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय सेवा यानी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के किसी अधिकारी के खिलाफ राजद्रोह का यह पहला मामला दर्ज हुआ है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।